मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि आप या कोई भी चंद पैसों का कच्चा प्रलोभन दे करके मुझे खरीद लेंगे या फिर मेरी आवाज़ को खरीद लेंगे। मैं इनकी एजेंट हूँ, उनकी दलाल हूँ। अरे भैया, मैं मतलब क्या कहा जाए, जनता की बात करने वाला, जनता के प्रश्न उठाने वाला कैसे दलाल हो सकता है? मतलब इस बात से मैं दुखी हूँ। अरे काबा, बिहार में काबा, सफाई कर्मी नर्स नाही, ई कैसन अस्पताल बा। सफाई कर्मी नर्स नाही, ई कैसन अस्पताल बा। दवाई बीरो खातिर भैया झेले के बड़ी बवाल बा। अरे काबा, बिहार में काबा, स्ट्रेचर वेंटिलेटर अर नाही एम्बुलेंस हो। स्ट्रेचर वेंटिलेटर अर नाही एम्बुलेंस हो। अरे साफ करे के कहला मोर चश्मा के लेंस हो। काबा बिहार में काबा। ए बबुआ बतावा तनी, रुका रुका समझावा तनी, बिहार में काबा। बिहार की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। हाँ, ये मुझे बताने की या फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार में काबा और का नहीं बा। भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पलायन, प्रवासन जैसी समस्याओं को अल्लर बल्लर कहना, ये तो बहुत दुखद बात है, कोई भी कहे। ये सही नहीं है कि मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी क्यों करने जाऊं, लेकिन आप लोग भी समझते हैं बिहार की स्थिति किसी से छुपी नहीं। और बहुत ज़्यादा दिन हो गया रहता तो थोड़ा सा आदमी भूल भी गया रहता। लॉकडाउन, कोरोना, कोरोना की बदहाली, पटना में बाढ़ के नहीं खेजानत, हम बिहार को बदनाम किए हैं। हमने सच बोला तो हमने बिहार को बदनाम कर दिया। हम चाटुकारिता नहीं कर सकते तो हमने बिहार को बदनाम कर दिया। अरे ये चुनाव का समय आप लोगों को तो चाहिए, मतलब बिहार वासियों को तो चाहिए कि अरे भाई कब मौका मिलता है आपको बोलने का? सरकार के पास तो सब कुछ है, मंच है, मीडिया है, टीवी चैनल है, सब कुछ है, आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। चुनाव के समय ही लगभग अब मतलब ऐसा होता है कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और इस समय भी हम जनता ही जनता की टांग खिंचाई करेंगे तो बाबा कैसे चलेगा? मुझे दुख इस बात का है कि मैं जब अकेले बिहार में काबा की शुरुआत कर रही हूँ तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, मतलब आप लोगों को तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए कि हाँ बेटा सही कर रहे हो, या फिर हाँ दीदी सही कर रहे हो, हाँ मेरे दोस्त सही कर रहे हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो आप लोगों को लगता है कि मैं इनकी एजेंट हूँ, उनकी दलाल हूँ। अरे भैया, मैं मतलब क्या कहा जाए, जनता की बात करने वाला, जनता के प्रश्न उठाने वाला कैसे दलाल हो सकता है? मतलब इस बात से मैं दुखी हूँ। खैर, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, और मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ जैसा कि लोग बोल देते हैं कि इनकी एजेंट हो, बीजेपी की एजेंट हो, आरजेडी की एजेंट हो, उनसे इनसे फलाना ढिमकाना। मुझे पता है कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता है। मेरे अपने विचार हैं, मेरे अपने सिद्धांत हैं, मेरे अपने दृष्टिकोण हैं। मैं चीज़ों को अपने हिसाब से सोचती हूँ, मतलब मैं सोच सकती हूँ। मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ कि मुझे सही गलत का फ़र्क नहीं है। मैं हमेशा नहीं कहती कि मैं हमेशा सही ही होऊंगी, लेकिन मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि आप या कोई भी चंद पैसों का कच्चा प्रलोभन दे करके मुझे खरीद लेंगे या फिर मेरी आवाज़ को खरीद लेंगे। न्यूज़ 24 के साथ जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, अभी मैं न्यूज़ 24 के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, तो सर भी जिनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उनको एकदम क्लियर कर दिया था कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आप, मतलब मुझे इस बात का, मैंने अपनी शर्त रखी थी। सर ने बोला हाँ तुम रेडी हो, तुम जैसे चाहोगी वैसे होगा, तुम जो चाहोगी तुम वो करोगी। मैं कभी भी किसी का प्रेशर लेकर के, दबाव लेकर के कि ये गाओ वो गाओ नहीं हो सकता। मैं तो आज भी कहती हूँ, अगर कल को मेरे ऊपर किसी बात का प्रेशर आता है, मतलब जिनके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मैं कल ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर में फाड़ करके फेंक दूंगी। हालांकि ऐसा नहीं है, ये अच्छी बात है। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए, दलाली कर रहे हैं हम, मतलब ये दुखी करने वाली लाइन है। मतलब हम इतना मेहनत करते हैं, गीत लिखते हैं, हम आम लोगों के लिए गीत लिखते, आदमी कैसे भाई इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकता है? कैसे भूखमरी जैसी समस्याओं को अल्लर बल्लर बोल सकता है? कैसे गरीबी जैसी समस्याओं को अल्लर बल्लर बोल सकता है? भाई हम तो रोज़ देख रहे हैं हमारे आसपास में 10 रुपया खातिर, 5 रुपया खातिर लाला पड़ल बा।
लोग आ जाते हैं, 10 रुपया उधार देबू हो, का करबू 10 रुपया बचवा का फीस जमा करे के बाद। नून तल धनिया नहीं खियाटा, तो ये हकीकत है बिहार का। आप लोगों को लगता है मैं बिहार को मैं बदनाम कर रही हूँ, मैं बिहार की नहीं हूँ, मैं बिहार को बदनाम करूँगी, आप लोगों को समझना नहीं चाहिए। मतलब सच्ची में क्या मैं बोलूँ, मतलब आप लोगों को क्या बोलूँ, सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए, कम से कम हमारा, हम जैसे कलाकारों का हौसला अफजाई करना चाहिए। हमारे पीछे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बाहुबलियों का कोई सपोर्ट है या फिर कुछ वैसा, हमारी जनता ही हमारी ताकत है, आप लोगों को समझना चाहिए। और जब मतलब मैं ये नहीं करने बैठी थी समझना चाहिए ना। मैं विदा लेती हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगी, प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बाय, मैं बोल नहीं पाऊंगी, आई एम सॉरी, बाय, ध्यान रखिए। अरे आईते चुनाव देखने ताजी प्यारे लुटावे ले, आईते चुनाव देखने ताजी प्यारे लुटावे ले, भोली जनता के चूना लगावे ले, भोली जनता के चूना लगावे ले, और शासन पर शासन के अंगुरी पे अपन नचावे ले, शासन पर शासन के अंगुरी पे अपन नचावे ले, भोली जनता के चूना लगावे ले। वादा तो ऐसन कैसन